Hello friends, welcome to Wikipedia. Myself Ankush Sharma, senior faculty of Abhimanyu IAS. Friends, हम एक सीरीज लेकर आए आपके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस की. इसमें हम कुछ यूनिक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ओके, आज का हमारा टॉपिक है कामराज प्लान. कामराज को आप देख सकते हैं, जो हमारा एक फोटो लगा हुआ है इसमें. ओके, कामराज प्लान. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कामराज प्लान क्या था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी. ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. 1963 में के कामराज, सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस, ये मद्रास से आते हैं, इसको प्रेजेंट में हम तमिलनाडु बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को एक प्रपोजल देते हैं. और इस प्रपोजल में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बोला, सीनियर लीडर्स को जो गवर्नमेंट पोस्ट पर थे उनको रिजाइन करना चाहिए, और रिजाइन करने के बाद कांग्रेस को रिओर्गेनाइज करने के लिए अपनी एनर्जी को डिवोट करना पड़ेगा. जवाहरलाल नेहरू को ये प्लान बहुत अच्छा लगा एंड उन्होंने कामराज को ये प्रपोजल दिया. नेहरू जी ने कामराज को प्रपोजल दिया कि मैं फर्स्ट बंदा हूँ जो रिजाइन करना चाहता हूँ एंड कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइटलाइज रिओर्गेनाइज करने के लिए वर्क करना चाहता हूँ. कामराज ने बोला, आप मत रिजाइन करिए, अदर लीडर्स को रिजाइन करना होगा. देन ये प्लान आगे बढ़ता है. ओके स्टूडेंट, और उसके बाद कुछ सीनियर लीडर्स ने रिजाइन किया और वो कांग्रेस को रिओर्गेनाइज करने के लिए वर्क करते हैं. क्वेश्चन आता है, इस प्लान की जरूरत क्या थी, ऐसा क्या हुआ कांग्रेस में कि उसको रिओर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ रही थी. ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं. 1947 में हमें आजादी मिलती है. आजादी मिलने के साथ साथ अब इंडियंस की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कांग्रेस से. वर्कर्स को लग रहा था कि उनकी वेजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, पीजेंट्स को लग रहा था लगान कम हो जाएगा, उनको ओनरशिप राइट मिल जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी. फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे होते हैं, जनरल इलेक्शन में कांग्रेस जीतती है, मेजोरिटी के साथ जीतती है, उसका वोट शेयर था 45%. जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने वर्क किया, कुछ अच्छा वर्क भी हुआ, कहीं कहीं हमें कुछ सेटबैक भी हमें मिलता है, बट धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे. लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जा रही थी कि अब ठीक होगा, अभी कुछ ठीक होगा, अभी हमारे लिए कुछ चीजें अच्छी आएंगी, तो ये एक्सपेक्टेशन भी साथ में थी, वर्क भी हमारा चल रहा था. नेक्स्ट जनरल इलेक्शन आते हैं. नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, सेकेंड जनरल इलेक्शन इसको बोलते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं 1957 में. कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ जाता है और ये हो जाता है 47%. बट जनरल इलेक्शन जो होते हैं सेकंड वाले, इसके बाद अब थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी. ओके, करप्शन बढ़ने लगा था पार्टी में धीरे धीरे. अब जवाहरलाल नेहरू ने रियलाइज किया कि कांग्रेस की पावर कम हो रही है, कांग्रेस वीक होती जा रही है. कांग्रेस के मेंबर्स को जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी वीक है और अब ये और ज्यादा वीक होती जा रही है. ओके, नेक्स्ट अब आते हैं थर्ड जनरल इलेक्शन 1962. कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर अब कम हो गया. ओके स्टूडेंट, एंड इस टाइम पर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर हो जाता है 44%. सेकंड प्रॉब्लम आती है, कुछ बाय इलेक्शंस होते हैं 1963 में बाय इलेक्शंस में कांग्रेस की हार होती है. रीजनल पार्टीज की पावर बढ़ रही थी, फॉर एग्जांपल डीएमके की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तमिलनाडु में, और के कामराज को डर लग रहा है डीएमके से. ओके स्टूडेंट, 1962 में हम चाइना से हारते हैं और उसका इम्पैक्ट भी कांग्रेस के ऊपर पड़ा था. देन आपको ये समझना है, कांग्रेस वीक हो रही थी, लीडर्स हमारे समझ रहे थे, इसलिए कामराज ने प्लान जवाहरलाल नेहरू को दिया कि ये टाइम है, राइट टाइम, कि हमें अब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, रिओर्गेनाइज करना पड़ेगा कांग्रेस को, और सेम पार्टी बनाना पड़ेगा जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर थी, जहां एक कॉल पर, कांग्रेस की एक कॉल पर मासेस फ्रीडम स्ट्रगल में आ जाती थी, पीजेंट्स अपनी जमीन तक आपका जो है छोड़ने को रेडी हो जाते थे, गवर्नमेंट बंदे जो है वो जॉब छोड़ देते थे, तो उस वाली कांग्रेस को फिर से इनको जो है लेकर आना था, इसलिए प्लान दिया गया था. इस प्लान पर स्टूडेंट अब ये इम्प्लीमेंट करते हैं इस प्लान को. कुछ कांग्रेस लीडर्स ने यहाँ पर रिजाइन किया गवर्नमेंट पोस्ट से, फॉर एग्जाम्पल यूनियन मिनिस्टर्स थे लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने रिजाइन किया, जगजीवन राम इन्होंने रिजाइन किया, मुराद देसाई इन्होंने रिजाइन किया, चीफ मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया, फॉर एग्जाम्पल के कामराज ये चीफ मिनिस्टर थे इस टाइम पर तमिलनाडु के, इन्होंने रिजाइन कर दिया, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया,
बीजू पटनायक जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन किया। ओके, एंड ये जो लीडर्स थे हमारे अब ये कांग्रेस को फिर से रीऑर्गेनाइज करने के लिए वर्क करते हैं। क्वेश्चन आता है कि इस प्लान को सक्सेस कहां तक मिलती है। अगर हम स्टूडेंट इसको देखें तो प्लान 1967 में नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जब हुए 1967 में देन कांग्रेस का जो वोट शेयर था और ज्यादा कम हो गया और ये हो जाता है 40%। ओके, तो कांग्रेस अगर इसको रिऑर्गेनाइज आपने किया दोबारा से एनर्जी इन्फ्यूज की देन वोट शेयर 40% नहीं होना चाहिए था। सेकंड, ये सेम इलेक्शन था इस ईयर में जो इलेक्शन हुए थे इस टाइम पर रीजनल पार्टीज का राइज होता है एंड कांग्रेस से उन्होंने गवर्नमेंट्स को छीन लिया अलग अलग प्रोविंसेस में। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं प्लान कहां तक रिवाइटलाइज कर पाया था नहीं कर पाया था, क्वेश्चन तो ये। तो इस प्लान के बाद अब जो आउटकम आया रिजल्ट आया था वो तो नेगेटिव था कांग्रेस के लिए, क्लियर। फिर फायदा क्या हुआ इसका, तो फायदा के कामराज को होता है। के कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं एंड जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद के कामराज के अंडर में एक सिंडिकेट बनती है। सिंडिकेट मीन्स स्टूडेंट ये कांग्रेस में एक ग्रुप था और ये सिंडिकेट किंग मेकर था। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसको डिसाइड किया था सिंडिकेट ने लाल बहादुर शास्त्री के फेवर में। ओके, देन कांग्रेस को जहां तक रिओर्गेनाइज करने की बात थी ये जो वर्क था पूरा ये इंदिरा गांधी ने किया था, बट उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी 1967 के इलेक्शन के बाद, इसका नाम था कांग्रेस आर। तो क्वेश्चन यहां पर ये डिबेटेबल है कि कहां इसका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। नेक्स्ट थिंग, कांग्रेस आज की डेट में बहुत ज्यादा वीक हो रही है इलेक्शन में, उसको हार मिल रही है, 2 times से बीजेपी गवर्नमेंट में है लोकसभा में। क्वेश्चन ये है क्या कांग्रेस को फिर से इस प्लान को इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये क्वेश्चन बट कांग्रेस को अपने आप से पूछना पड़ेगा, इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियोस को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।